आईसीयू बेड बनाना बहुत मुश्किल काम है इस सिचुएशन में। 300 बेड कर दो एमसीएच में, 150 बेड कर दो डैम के अंदर, 300 तो वहाँ बढ़ गए आपके, और 200 इस बिल्डिंग में बढ़ा दो तो आपके 1500 जो आपने डिक्लेयर किए पूरे हो जाएंगे। 100 वेंटिलेटर, 100 एचएफएनओ और 300 बाईपैड, सारे आईसीयू हैं, सारे आईसीयू अगर नहीं है तो बना दो। तो आज मतलब उसको 10 दिन का स्टे टाइम दे रहे, कल उसको ऑर्डर दे देंगे, 10 दिन में आपको बना के दे देगा। मैं इसी हॉस्पिटल में देख रहा हूँ कि प्रोसीजर्स के चक्कर में बहुत उलझ रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके दफ्तर में आके बैठ रहा है, हेल्थ मिनिस्टर आपके दफ्तर में आके बैठ रहा है, एक सीनियर डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर आपके दफ्तर में आके बैठ रहा है, और बताइए क्या अकाउंट वाला चाहिए आपको। प्रॉब्लम यह है कि आप ही डिसीजन लेने को तैयार नहीं हो। यू हैव टू डिसाइड, पर थोड़ा सा कन्विक्शन अपने अंदर भी लाना पड़ेगा कि वी हैव टू डू इट। अभी ये नहीं सहयोग कर रहा, वो नहीं सहयोग कर रहा, वो नहीं सहयोग कर रहा, मैं एक मिनट आगे बढ़ाता हूँ, आप तीन मिनट पीछे खींच लेते हो। जिसको जो दिक्कत हो, मतलब बेड चाहिए तो चाहिए, कल शाम तक बेड लगा दो, और जो कहता हो कि मैं अप्रूव नहीं करूंगा उसको बोलो सस्पेंड कर दें, घर में बैठ। फिर यार 4 दिन हो गए मैं मेहनत करते हुए, सारे 150 बेड के हॉस्पिटल में 2 दिन के अंदर 500 बेड लग गए, हम यहाँ इतने बड़े हॉस्पिटल में 1500 बेड पर नहीं ला पा रहे हैं। कोई भी चीज़ जो अप्रूव होनी है, सचिवालय बाद में जाएगी, पहले अप्रूव होकर इम्प्लीमेंटेशन जाएगी। उस डायरेक्शन के लिए आपको पावर चाहिए, राइटिंग में आपके पास पावर्स हैं। फाइल प्रोसेस परमिशन सेक्रेटरी डायरेक्टरेट का कोई वेट नहीं करना है। कोई भी चीज़ जो आप लोगों को चाहिए, जो आप लोगों को डिसाइड करनी है, एवरी डिसीजन हैज़ टू बी टेकन हियर ओनली। यू डायरेक्ट देम, यू अलाउ देम, यू राइट ऑन पेपर एंड अलाउ देम, उसके बाद वहाँ से अप्रूवल होती रहेगी, ठीक है। आपको कहीं धर्म संकट है कि भाई मुझे क्या बोला जाएगा, आप मेरे को एक व्हाट्सएप पे भेजो, सर मुझे ये ज़रूरत है, इफ़ यू कैन अप्रूव इट आई विल अप्रूव। जब डायरेक्ट्रेट में भेजो फाइल, उसको लगा के भेजना कि डिप्टी सीएम हैज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड दिस ऑन व्हाट्सएप। प्रोसीजर्स में उलझ के आप 2 महीने में वो नहीं कर पाओगे जो अभी एक्चुअली 1 दिन में करने की ज़रूरत है।